टूट पड़ी। मायो मायो, यस मायो मायो। और मेरा मटन मतलब एकदम मस्त रेडी, रेड रेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी कर रही हूँ पूजा। अभी मेरी आंटी एक्चुअली साफ कर रहे थे घर, और ये देखो आंटी की असिस्टेंट। हेलो करो, आया नहीं करना आज। हाय, देखो पोछा मार रही है हमारी गुलू। मैं कर रही हूँ पूजा, और देखो गुलू क्या कर रही है। गुलू कंटी मैं दे रही हूँ फूल, गुल्लू भी दे रही है फूल। देखिए गुल्लू नहाया, गुल्लू नहाया तुमने। नम 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 नम। अब बहुत मुश्किल के बाद मैंने पूजा खत्म किया, क्योंकि गुल्लू तो मुझे पूजा करने नहीं दे रही थी। और अभी मैं जा रही हूँ गुल्लू को खिलाने, फूल को नाश्ता देने। आंटी तो हमारी बना लिया खाना, प्याज काट दिया, लहसुन अदरक निकाल दिया। आज मैं बनाऊंगी मटन, हमारा घर में आज होगा मटन। बॉय। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, मतलब कि आंटी मेरी तो बना के चली गई दाल चावल, मैं आज बनाऊंगी मटन। वैसे क्या होता है, हैदराबाद का मटन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर, अभी जो मिल रहा है उसी में काम चलाना पड़ेगा। मेरा जो होम टाउन रहता है उड़ीसा, उड़ीसा का मटन मस्त, मतलब कि मुंह में पानी आ जाता है सोच के। वो पूजा क्या अभी गलत है, भगवान के पास बैठ के ये सब बात करना। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मटन बनाने से पहले पील का पसंदीदा ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट चाय, मैं उसको देखे आती हूँ। फिर बनाएंगे हमारा मटन। इसको देखो, उसको लगता है ये चिकन है। चिकी 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 चिकी, चलो 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 चलो, कैसे मांग रहे, कैसे मांग रहे, कैसे मांग रहे, दौड़ रहे मेरे पीछे, दौड़ रहे मेरे पीछे, दौड़ रहे मेरे पीछे, दौड़ रहे मेरे पीछे, दौड़ रहे। ओ खाना है पापा के साथ, खाना है पापा के साथ, खाना है एक लड़की को। कभी से आकर से कटे कितना बड़ा आकर रही हूँ। गुल्लू भी टूट पड़ी। मायो, यस मायो मायो। नम नम, वो भी खाना है तुमको। ओ ठीक है ठीक है, देखती हूँ, वेट वेट। ये लो, गुल्लू का भी फेवरेट ये है ब्रेड ऑमलेट। ये देखो प्याज, लहसुन अदरक, अदरक का पेस्ट, ये सूखा मसाला, ये मटन, मटन को मैंने धो के रख दिया ऑलरेडी। टमाटर, टमाटर अभी काट रही थी, इसको नहीं धोया है, फिर से धोना है। ये कश्मीरी लाल, थोड़ा मटन लाल लाल दिखने के लिए, और तीखा भी रहता है थोड़ा। और ये रहा मीट मसाला, और मैंने कढ़ाई ऑलरेडी बिठा दिया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में। तो ये तो गर्म हो गया है, और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। अभी मैंने डाल दिया सूखा मसाला सारा, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और ब्लैक पेपर। क्या है, इससे थोड़ा अच्छा खुशबू आता है करी में, इसलिए मैंने डाल दिया। ये मेरा हो गया थोड़ा फ्राई, मेरा मसाला और ब्रेड छिटक रहा है पेपर, ब्लैक पेपर। अब मैं डालूंगी प्याज। आधा किलो मटन मंगाया है, मैं प्याज तो हो ही जाएगा, तेल में जो है ये आधा किलो मंगाया था। थोड़ा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए। और मेरा प्याज हो गया अभी लाल लाल। अभी मैं डालूंगी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर उसके ऊपर थोड़ा मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल, और हल्दी।
अच्छा खुशबू आ रहा है, अदरक लहसुन का ही इतना अच्छा खुशबू है। और अभी डालेंगे टमाटर, और जब तक ये मेरा मसाला रेडी हो रहा था थोड़ा इधर आलू को फ्राई करते हैं, क्योंकि बिना आलू के तो मटन इनकम्प्लीट लगता है। आलू डालते हैं, मैंने दो ही डाला है, इसके लिए एक आलू तेल के लिए एक आलू मेरे लिए। और ये मेरा मसाला भी रेडी हो गया है, साइड से तेल भी छूट गया है, तो अब मैं डालूँगी मटन। लो ये तो मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स, और इसके ऊपर थोड़ा मीट मसाला, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा डाला है, क्योंकि अदरक लहसुन का वैसे ही खुशबू रहता है, अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा जीरा पाउडर खुशबू के लिए मैंने डाल दिया। अब करूँगी इसको मिक्स अच्छे से, मैंने अच्छे से अभी मिक्स कर दिया मसाले को। अब थोड़ा ढक्कन देकर इसको छोड़ देंगे, पूरा मसाला अच्छे से जैसे मिक्स हो जाए मटन के साथ। अरे वाह, इधर पर लाल लाल दिख रहा है, और पानी छूटेगा थोड़ा, बहुत पानी छूट रहा है, और थोड़ा लगेगा। तो अभी मैंने डाल दिया आलू को, अभी आलू को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये तो आलू का भी थोड़ा टाइम लगा मिक्स होने के लिए, तो मैं आपको बोलती हूँ, जब मेरा शादी नहीं हुआ था, मैं अपने पापा के घर में थी, हमारे घर में ओनली संडे को आता था नॉनवेज, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी है वेज, तो उनको वो नॉनवेज का वो जो स्मेल रहता है उनको अच्छा नहीं लगता था। हमारे घर के किचन में भी नॉनवेज अलाउ नहीं है, हमारे घर में एक बालकोनी है, बालकोनी में एक इंडक्शन था, वहाँ पे मैं बनाती थी नॉनवेज और पापा और मैं खाते थे। पापा तो ठहरे पुलिस वाले, उनको नॉनवेज फेवरेट है, मतलब कि पुलिस वाला तो नॉनवेज नहीं खा के नहीं रह सकते ना, और इसी चक्कर में पापा थोड़ा बाहर ही खाते थे नॉनवेज, जो भी खाना होता था ओनली संडे को हम लोग बनाते थे घर में, पापा और मैं। और मैं थोड़ा अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरे पापा का है फेवरेट मटन, तो मेरा भी फेवरेट हो गया मटन। मेरा किचन पूरा मटन का स्मेल से भर गया है, और अभी तो बिठा दिया, पानी डालने का टाइम आ गया है। ये देखो पेल खुशबू सूंघ के आ गया मीटिंग छोड़ के, हाँ थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है होने में, पानी डालना नहीं, थोड़ा पानी हो, पानी डालने के बाद हो जाएगा। देखना तो भूख जल्दी लग रही है तेल को, ज़्यादा भूख लग रहा है अभी सूंघ के, मसाला इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। तो लगभग हो गया है, पूरा रेड रेड दिख रहा है मेरा मटन, थोड़ा गरम मसाला, और ये धनिया पत्ता, अभी थोड़ा मिक्स कर देंगे इसको अभी मिक्स। और मेरा मटन मतलब एकदम मस्त रेडी, रेड रेड। उड़ीसा में रहता है मटन थाली, जिसमें आता है चावल, मटन, सलाद, पापड़, और ये मेरा मटन थाला आज का रेडी। और कैसा लग रहा है मटन? बढ़िया लग रहा, दिख तो अच्छा रहा है, बट खाने के बाद पता चल गया। तो खाओ खाओ, थोड़ा बोलो, इतना मेहनत करके बनाया, मैं अभी कितने कैसे खा लूंगा मैं थोड़ा चख के, तो साइड से थोड़ा चख के बोलो कैसा है, थोड़ा अच्छा है, खुशबू तो अच्छा आ रहा है, उसमें से थोड़ी ना चलेगा, खाना भी पड़ेगा ना। पील को तो अच्छा लगा मेरा मटन, बाकी आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट में बोलो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।